नमस्ते जी। सच ए हैप्पी ओकेशन, सच ए जॉयफुल एटमॉस्फेयर, ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज डिवाइनली चार्ज्ड बाय आवर मास्टर्स विद फुल फोर्स, एज दे से फुल स्टीम अहेड, एंड वी आर इटर्नली ग्रेटफुल फॉर दिस। I would like to share with you some fundamental aspects which we have been somehow not been able to grasp or understand, or even not been able to point it out that it is of such a great significance. First, I would like to share with you on prayer. Prayer mein kaha jata hai, hamari prarthna mein, कि हे मालिक, तू ही हमारे जीवन का ध्येय है, वास्तविक ध्येय है हमारा। बाद में कहते हैं हमारी इच्छाएं हमको वहां तक, ये जब उसको प्लूरल में बताते हैं, उसको सिंगुलर नहीं कहते हैं, फिर भी हम जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि हमारे लिए ही करते हैं। तो जब हम कहते हैं हम, तो हम या मैं, तो हम का मैं में ट्रांसलेशन कहां से हो जाता है अपने दिमाग में। और जब हमारी इच्छाएं सब पूरी खत्म हो जाती है इनकी कृपा से, और जब हम उसके बाद प्रार्थना करते हैं, तो ये हम किसके लिए बोल रहे हैं? तो पहले से शुरुआत करनी चाहिए, हम मीन्स सब लोग जो भी है। मालिक बाबूजी के बारे में बताते थे कि मैं सिर्फ अभ्यासियों के लिए ही नहीं हूं, जो अभ्यास नहीं करते उनके लिए भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। मालिक ने और भी कहा, वो तो उनकी ह्यूमिलिटी थी, उनकी नम्रता था, विनम्रता थी, कोई ऐसी बात बताते थे, लेकिन वो तो बहुत कुछ कर देते थे, नॉट ओनली ये दुनिया की बट उस दुनिया की भी। कई सेंट्स जो वहां लिबरेट नहीं हुए, स्टक हो गए थे, उनको भी आगे बढ़ाने वाले वो अपने मालिक ही है। पेड़ पौधे जानवर, उनकी भी रक्षा करने वाला भी वही है। तो ये मैं करके अभी भूल जाना चाहिए। मैं का हम का जो सीक्रेट है, जो बाबूजी महाराज ब्राइटर वर्ल्ड से कहते हैं, एक एग्रेगोर का हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत बड़ा कठिन, बहुत कठिन, क्या कहते हैं उसका, बहुत इसको इजीली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका उदाहरण बताऊंगा कि एक एग्रेगोर तैयार कर रहे हैं हमारे मालिक कैसे। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो कोई एक तरह का माहौल होता है वहां पे, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे किसी तरह का माहौल होता है, श्मशान में जाते हैं तब किसी और तरह का माहौल होता है, किसी के विवाह में जाते हैं तो किसी और तरह का माहौल होता है। हमारे साथ चलने वाले हॉस्पिटल में या मंदिर में या वेडिंग्स में या श्मशान भूमि पे, चाहे वही फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन माहौल बदल जाता है।